वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। यहाँ हमने यह पता लगाया कि औसतन बच्चों का वजन क्या है। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि कौन सा वजन सबसे ज़्यादा बच्चों का है, तो हमें इन आंकड़ों का बहुलक पता करना होगा। आप यह जानते हैं कि बहुलक दिए गए आंकड़ों में से वह मान होता है जो सबसे अधिक बार दोहराया गया होता है। वर्गीकृत आंकड़ों में हम सबसे पहले बहुलक वर्ग की पहचान करते हैं। इन आंकड़ों में वर्ग 40 से 50 की आवृत्ति सबसे अधिक है, अतः यह बहुलक वर्ग है। हमें इससे यह पता चल पाता है कि आंकड़ों का बहुलक इसी वर्ग अंतराल के बीच मौजूद है। इस प्रकार की स्थिति में बहुलक सूत्र में मान रखकर ज्ञात कर लेते हैं। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, बहुलक बराबर L धन बड़े कोष्टक में F1 ऋण F0 बटे 2 गुणित F1 ऋण F0 ऋण F2 कोष्टक बंद गुणित H। इस सूत्र में L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, H बराबर वर्ग अंतराल की माप। F1 और F0 में जितना अधिक अंतर होगा, बहुलक L से उतना ही बड़ा होगा। इसी तरह F2 और F1 में जितना कम अंतर होगा, बहुलक L से उतना ही बड़ा होगा और L धन D के करीब होगा। अगर यह सोचें कि बहुलक का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो हम यह देखेंगे कि इसका अधिकतम मान L तथा F1 व F0 या F2 व F1 के अंतर D के योग के बराबर होगा, यानी बहुलक L और L धन D के बीच होगा। उदाहरण 11। एक उच्चतर माध्यमिक शाला के छोटे बड़े बच्चों के वजन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। बहुलक वर्ग बराबर 40 से 50 है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 40 है। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 F1 बराबर 29। बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता F0 बराबर F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता F0 बराबर 11। बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता F2 बराबर 6। वर्गमाप H जो है हमारे पास 10 है। बहुलक बराबर हम जानते हैं कि बहुलक का जो सूत्र है वह होता है L धन कोष्टक में
एफ एक ऋण एफ शून्य बटा दो एफ वन ऋण एफ शून्य ऋण एफ दो गुणा एच, जहाँ एल बहुलक वर्ग का, जहाँ एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल है जो कि 40 है, बहुलक वर्ग की बारंबारता एफ एक 29 है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता एफ शून्य जो कि 11 है, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता एफ टू जो है 6 है, और उसी तरह से अंत में वर्ग माप एच जो है हमारे पास 10 है। तो सूत्र में इन मानों को रखने पर बहुलक बराबर बराबर एल हमारा 40 धन एफ वन है हमारे पास एफ एक 29 है, एफ एक 29 है ऋण एफ शून्य 11 है बटा दो गुणा एफ वन है हमारा 29 उष्टक बंद ऋण एफ शून्य है हमारे पास 11 ऋण एफ दो जो है हमारे पास 6 है उष्टक बंद गुणा एच जो कि वर्ग माप है जिसका मान 10 हमने ऊपर में लिखा है बराबर 40 धन कोष्टक में 29 में से 11 घटाएंगे तो 18 आएगा, 18 बटा उसी तरह से 29 गुणित 2 हमारे पास 58 होगा, और ऋण 11 और ऋण 6 जो है ऋण 17 हो जाएगा कोष्टक बंद गुणा 10 बराबर 40 धन 18 बटा 58 में से 17 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 41 गुणित 10 बराबर 18 को 10 से गुणा करेंगे तो 180 बटा 41 करेंगे तो हमारे को प्राप्त होगा 4.39 किलोग्राम। तो 40 में 4.39 किलोग्राम को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास योग आएगा 44.39 किलोग्राम। यहाँ L धन D के करीब है क्योंकि F 0 बड़ा व F 2 छोटा है, इस प्रकार वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात किया जाता या बहुलक के आंकड़े के करीब है। इस तरह से यह इस उदाहरण का हल होगा।